भारत की आजादी को 2047 में पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस ऐतिहासिक पड़ाव तक पहुंचने से पहले देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सांसद एवं प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कहा कि इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस अवधि को अमृतकाल का नाम दिया गया है। एक विकसित राष्ट्र की प्राथमिक कसौटी उसकी आर्थिक प्रगति होती है। आज आपने यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के कार्यक्रम के लिए मैं पिछले रात 3 बजे शिमला पहुंचा, क्योंकि कल नालागढ़ के कार्यक्रम थे और आखिरी कार्यक्रम 11 बजे समाप्त हुआ और उससे पहले दिन भी मैं 3 बजे नालागढ़ पहुंचा था, क्योंकि कसुमटी के कार्यक्रम थे। कसुमटी में मैं डुबलू से 11 बजे चला, 1 बजे डिनर हुआ रात को और 3 बजे मैं नालागढ़ पहुंचा था। और इस कार्यक्रम के लिए भी कल हम दिन भर कसुमटी में हमने 9 कार्यक्रम किए और रात को 11 बजे फ्री हुए, उसके बाद चले और 3 बजे सुबह शिमला पहुंचे और सुबह शिमला से निकले और आपके पास आए हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का जोश आप लोगों में देखने को मिला है, निश्चित रूप से इस बार भी, पिछली बार 17,000 की लीड दी थी, इस बार उससे भी ज्यादा लीड शिमला ग्रामीण से हमको मिलेगी, इस बात में कोई शंका नहीं है। वो आपको जैसे भी हो इस क्षेत्र में जाना ही है। मैं कह रहा था जी, मैंने ज्यादातर एरिया पूरा लगभग कर दिया, कोई एरिया छोटा नहीं, यही एरिया छोटा था। यहाँ की 8 तक कितनी पंचायतें हैं? 8 पंचायतें, बाकी आपकी सारी पंचायतें हमने कवर कर ली थी, यही 8 पंचायतें छुट्टी थी। तो यहाँ सभी की ओर से आग्रह है, फिर मैंने भी कहा कि चलो भाई, जो मर्जी होगा, चाहे पूरी रात ही चलना पड़ेगा, लेकिन हम जरूर जाएंगे। कि आप भारी संख्या में तो यहाँ एकत्र हुए ही हैं, मैं देख पा रहा हूं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बहुत है। जो उत्साह चुनाव के अंतिम दिनों में कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिलना चाहिए, वो आज मैं यहां पर देख पा रहा हूं। कि शिमला ग्रामीण ने पिछली बार भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था और इस बार भी उससे बेहतर प्रदर्शन होने वाला है, इसमें किसी प्रकार की कोई चिंता की गुंजाइश नहीं है। आप सभी जानते हैं चुनाव का बिल्कुल ये प्रचार का अंतिम समय है, आज 28 तारीख है और 2 दिन हमारे पास बचे हैं, 29 और 30 का। अब 2 दिन में मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, अब जोर का झटका लगना चाहिए अंतिम के 2 दिन, क्योंकि हमने लगातार जब से चुनाव की घोषणा हुई तब से काम करना प्रारंभ कर दिया था। आज मुझे तो लगातार 73 दिन हो गए, 73 डेज हो गए, लेकिन आप लोग भी हमारे साथ ही लगे हैं। लेकिन सबसे क्रूशियल टाइम यही है, जो अंतिम 2 दिन है, इन 2 दिन में हमको जान की बाजी लगानी है, ताकि जो हमारी पिछली मेहनत है, जो हमने 60, 65, 70 दिन पीछे लगाए हैं, वो मेहनत सफल हो जाए।